हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। तो वीडियो शुरू करने के सबसे पहले आपको हैप्पी संक्रांति, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी की शुभकामनाएं, बिहू की शुभकामनाएं, पोंगल की भी शुभकामनाएं सभी को जो भी मेरे व्यूअर्स हैं हर प्रांत के। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक अनबॉक्सिंग चल रही है, तो आज के इस शुभ दिन पे, मकर संक्रांति के शुभ दिन पे हमारे घर आगमन हुआ है किसी खास का, तो उन्हीं की अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। और ये आई है वृंदावन से। आपने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा, तो क्या आपसे छुपाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर राधा रानी के सुंदर से विग्रह का आगमन हुआ है आज हमारे घर पे। और ये वृंदावन से हमने मंगवाया है, कृष्णा कुंज से, जहाँ के हम रेगुलर कस्टमर हैं। और देखते हैं, आप देखिए मेरा ये अनपैकिंग वीडियो, अनबॉक्सिंग देखिए। मैंने वहाँ से काफ़ी सारे राधा कृष्ण के वस्त्र लिए हैं और लिए हैं काफ़ी सारे आभूषण, चंद्रिका, मुकुट और राधा रानी के केश लिए हैं मैंने। साथ में कृष्णा कुंज वालों ने ये इत्र गिफ्ट के हिसाब से भेजा है मुझे, सो थैंक यू कृष्णा कुंज। देखिए राधा कृष्ण के ये केश हैं। तो मेरे पास ठाकुर जी की मूर्ति पहले से ही थी जो कि पत्थर की थी। मैं मेरे कम्युनिटी ऐप पे आप देखिएगा कि मैंने ये एक पोस्ट दिया था उनके नाम के बारे में, तो वो भी हम आगे वीडियो डालेंगे। और मैंने वहाँ पर ये शीत के लिए वस्त्र वेलवेट का लिया है, देखिए। तो इस तरह से मैंने काफ़ी शॉपिंग की और विभिन्न विभिन्न कलर्स के मैंने राधा कृष्ण युगल सरकार के मैंने वस्त्र लिए हैं। और कुछ ही देर में हम अनपैकिंग करेंगे राधा रानी की। ये देखिए दोस्तों, जिनका हमें इंतज़ार था वो इतने शुभ दिन पे हमारे घर पे उनका आगमन हुआ है। ये अष्ट धातु की 7 इंच की पेंटेड राधा रानी का विग्रह है। और आप इनके अनबॉक्सिंग, इनकी अनपैकिंग के बाद देखिए कितना सुंदर इनमें पेंटिंग किया हुआ है। बहुत ही यूनिक पेंटिंग है। जो कलर है, जो शेड्स हैं, बिल्कुल स्किन कलर में पिंक के शेड्स हैं। एक एक डिटेल जो पेंटिंग की हुई है, बिल्कुल मास्टरपीस है दोस्तों। और वृंदावन में ही हमने कृष्णा कुंज से, हम हमेशा लेते रहते हैं, वहीं से ही हमने ऑर्डर किया। तो मुझे 7 इंचेस के मेरे लाला हैं, इसलिए मुझे 7 इंचेस के ही राधा रानी की प्रतिमा चाहिए थी। तो इनको देखते ही मतलब बस मैंने कहा कि ये हमारे घर पर आने वाले हैं, आप इनको हमारे घर इनका आगमन कराएं। तो देखिए दोस्तों, इनके नैन नक्श देखिए, कितनी सुंदर पेंटिंग है इनके। चरण कमल देखिए इनके, सुंदर मोर का डिज़ाइन बना हुआ है इनके वस्त्रों पे। तो दोस्तों, मेरी मान्यता ये है कि हम राधा रानी की मूर्ति, अगर कुछ वस्त्र बने हो तो उनके स्नान में या उनकी, जब हम उनके हम वस्त्र पोशाक को हम चेंज करते हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी वस्त्र बने हुए हैं, तो इसमें हमें कोई पाप या दोष नहीं लगता है। हालांकि इस्कॉन स्टाइल मूर्ति होने के बावजूद इसमें अच्छी पेंटिंग है, सुंदर उसमें। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जब हम इनका श्रृंगार करेंगे फिर से वीडियो देंगे। जय श्री राधे दोस्तों, थैंक यू।